नमस्कार। आज ये प्रश्न है कि आप बागवानी ही क्यों करें, ट्रेडिशनल फसल, ट्रेडिशनल क्रॉप्स आप क्यों न करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बागवानी है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका और लंबे समय तक 30 से 40 साल तक आपको प्रॉफिट देगा। मैं इसलिए बागवानी की वकालत करता हूँ और देश के लोगों का रुझान बागवानी की तरफ बढ़ा है। जो बागवानी के फायदे हैं वो आप समझिए। आपको एक बार लागत, बार बार मुनाफा, कम से कम देखभाल की ज़रूरत है। आप दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर अपने घर से दूर रह के अपनी नौकरी या बिजनेस को करते हुए अपने घर पे बागवानी को एक आदमी रख के, वो भी शुरुआत के समय में 10 दिन 5 दिन में एक आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, 1 से 2 दिन उसका काम लगाइए। इस प्रकार महीने में 1,000-2,000 रुपये केवल खर्च करके आप 4 सालों तक काम चला सकते हैं। जो ट्रेडिशनल फसल है जिसमें धान, गेहूँ, चना, मटर आता है, आपके इलाके के हिसाब से अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, उसमें आपको रोज़ देखभाल करनी जरूरत है कि आज पानी डालना है कि नहीं डालना, आज खाद पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, कोई इसमें कीड़ा लगा क्या, उसके लिए इलाज है। इस प्रकार उसमें आप 10 से 12 घंटे इंगेज होते हैं ट्रेडिशनल क्रॉप में, और बागवानी में सिर्फ 1 से 2 घंटे इंगेज होते हैं। तो ये आपको चुनाव करना है कि आप बागवानी इसलिए चुनें कि आप दूर रह के आप अपनी बागवानी को मैनेज कर सकते हैं, हर साल मेंटेनेंस कॉस्ट में अपने आप को सुटेबल बना सकते हैं बागवानी करने के लिए। जो ट्रेडिशनल क्रॉप है इसमें आपकी लागत साल दर साल बढ़ती चली जाएगी और आमदनी घटती चली जाएगी। बागवानी में आपकी आमदनी बढ़ती हुई चली जाएगी साल दर साल और आमदनी बढ़ेगी और लागत मूल्य घटेगा, इसलिए लोग बागवानी का चुनाव करते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि जो ट्रेडिशनल खेती है वो उसका लाइफ साइकिल 150 दिन का है, बागवानी का 30 से 35 40 सालों तक का है। तो जो आप ट्रेडिशनल फसल लगाएंगे वो बार बार लगाएंगे, बार बार जोतेंगे और धीरे धीरे खेत अनफर्टाइल होता चला जाएगा, आपको केमिकल खाद उसमें आप यूज करेंगे। जो बागवानी है उसके बाग के पत्ते झड़ते हैं पतझड़ के सीज़न में और वो बारिश में डिजॉल्व होकर धरती में मिल जाते हैं, जिससे आपकी बाग को कार्बनिक पदार्थ मिलता है और पौधे कार्बनिक पदार्थ को लेकर के आगे बढ़ते हैं। इधर आपकी ज़मीन वैल्यू का बागवानी में 1,00,000 रुपए वाली बागवानी धीरे धीरे वो ज़मीन और पौधे लगे हुए करोड़ों की तरफ इंक्रीज़ होती है उसकी वैल्यू। और इधर जो ट्रेडिशनल क्रॉप है उस ट्रेडिशनल क्रॉप को करते हुए आपकी ज़मीन की वैल्यू घटती है क्योंकि धीरे धीरे ज़मीन अनफर्टाइल हो जाती है। तो ये चुनाव आपको करना है कि आप बागवानी क्यों करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, बागवानी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आप एक बार लगाए 30-40 साल तक मुनाफा कमाए, एक सीज़न इसका रहेगा, उन सीज़न में आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आप कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं कि अब क्या हमें फ्रूट्स आएंगे, हम ये प्लान कर सकते हैं। जो अपने यहाँ का मौसम है वो उतार चढ़ाव वाला है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी ओलावृष्टि है, कभी अतिवृष्टि है, कभी सूखा है। तो जो बागवानी है वो सस्टेन रहती है ट्रेडिशनल फसल की अपेक्षा, इसलिए देश के किसानों को हम कहना चाहते हैं कि आप बागवानी ज़रूर करें। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है बागवानी का, वो आप 1 एकड़ में ट्रेडिशनल फसल में बामुश्किल 20 से 25 हज़ार रुपये सालाना कमा सकते हैं, लेकिन जब आप बागवानी करते हैं तो 4 साल बाद जब आपकी बाग कंप्लीट हो जाती है तो 2,00,000 रुपये से 4,00,000 रुपये तक प्रति एकड़ आप कमा सकते हैं। अपने घर से, अपनी बाग से दूर रहते हुए भी रेंटल इनकम एग्रीकल्चर से आपको मिल सकती है लंबे समय तक। तो मित्रों, देर मत करिए, आइए लेमन मैन रायबरेली आपका स्वागत करते हैं एक नई बागवानी की तरफ। धन्यवाद।